गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारे सम होमवर्क के अंदर दिए थे, लगभग 34 नंबर तक के क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किए थे। अब आए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर, तो जरा देखोगे आप लोग 35 नंबर क्या है। तो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर। कभी एक स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड की लेंथ कितनी है भाई? 20 मीटर। भाई सपोज ये हमारा ए क्या है भाई? स्क्वायर फील्ड है ABCD, और उसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है भाई? 20 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन के अंदर? अ काउ इज टाइड एट अ कॉर्नर बाय मींस ऑफ 6 मीटर लॉन्ग रोप। यहां पर एक कॉर्नर के ऊपर एक काउ को 6 मीटर लॉन्ग रोप से हमने क्या कर दिया भाई? टाइड कर दिए, यानी कि बांध दिए। फाइंड द एरिया ऑफ द काउ कैन ग्रेज, यानी कि इसके अंदर ग्रास है, कभी कितने एरिया के अंदर भाई काउ को 6 मीटर लॉन्ग रोप से आपने टाइड किए, तो काउ इतने पोर्शन के अंदर क्या करेगी भाई? अपना जो घास चारा है उसको वो क्या कर पाएगी भाई? खा पाएगी। बराबर, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखो, काउ इतने में ग्रेजिंग करेगी, ये जो पोर्शन बना वो तो क्या बना भाई? सेक्टर बना। क्या बना भाई? सेक्टर। और ये माइनर सेक्टर बना, और ये माइनर सेक्टर के अंदर रेडियस कितनी है भाई इसकी? 6 मीटर। और थीटा कितना बनेगा सोच लो, तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। यानी कि पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, फाइंड करो। चलो 6 मीटर रेडियस पहले लिखो, आर इज इक्वल टू 6 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 90। चलो अब क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ काउ कैन ग्रेस, या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो लगाओ 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है भाई? 6 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360। पहले 90 से 360 को कट कर दो, यानी कि 4 जा, 4 के बनने में लिखो 2 मल्टीप्लाई 2, दोनों 2 से दोनों 6 को कट कर दो, 2 3 जा 6 कट हो गया स्टूडेंट। अब 3 3 जा कितना होगा? 9। 314 मल्टीप्लाई 9 करो, 314 मल्टीप्लाई 9 करो, कितना आता है? 2826 आता है, और अपॉन में 100 है, तो कितना होगा? 28.26 मीटर स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन पूरा हुआ, अभी इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ो आगे बढ़ो। क्या है क्वेश्चन के अंदर? भाई ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। स्टूडेंट समझो, पहले ये रोप की लेंथ कितने मीटर थी? 6 मीटर, इसके अंदर 2 मीटर इंक्रीज कर दे, तो अब रोप की लेंथ कितने मीटर हो जाएगी? 8 मीटर। यानी कि दूसरा आपको क्या फाइंड करना है? कभी 8 मीटर रेडियस, कभी 6 के बदले में 2 मीटर लेंथ की रोप इंक्रीज करेंगे तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज होगा? यानी कि रेडियस 8 लेकर क्या करोगे आप? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करोगे, और फिर दोनों का क्या करोगे? माइनस करोगे। तो क्या लिखोगे? लिखो इफ द
लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज्ड बाय 2 meter, इफ द लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज्ड बाय 2 meter, देन R is equal to 6 plus 2 is equal to 8 meter. अब रेडियस 8 meter हो गए. अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करो. देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. चलो फाइंड करो. पाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360. 94 जा 360 कट कर दो, 4 से 8 को कट कर दो, 4 टू जा 8. अब 8 टू जा कितना होगा 16. 314 मल्टीप्लाई 16 करो 314 मल्टीप्लाई 16. मैं नहीं करने वाला हूं सब. आप मल्टीप्लाई करो 5024 आता है. 2 पॉइंट कट करो, लिखो 50.24 मीटर स्क्वेयर. और अब क्या करना है स्टूडेंट, कि भाई 6 के बदले में रोप की लेंथ 2 मीटर इंक्रीज की, तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हुआ. तो अभी आपने जो आंसर फाइंड किया उसमें से 6 मीटर रेडियस लेकर जो सेक्टर का एरिया फाइंड किया उसको माइनस करना पड़ेगा. तो देखो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू, दोनों आंसर का माइनस करो, 50.24 माइनस 28.26, दोनों का माइनस करो. आता है भाई 21.98. मीटर स्क्वेयर. चलो ऐसा सेम क्वेश्चन है, बराबर है 36 नंबर. द लेंथ ऑफ साइड ऑफ, ये क्वेश्चन लगभग मेरे ख्याल से मार्च 2016 में बोर्ड की एग्जाम में आया था. वही क्वेश्चन है, रेडियस थोड़ी चेंज होती है, क्वेश्चन वही रखेंगे, रेडियस थोड़ी चेंज होगी, बराबर है. एग्जामिनर ने थोड़े चेंजेस करके रखे थे, बराबर है. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, इसमें क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मेरी मिस्टेक हो गई है, सेम था सुधारे कर देना, अंदर चेंज कर देना. द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 20 meter. अ काउ इज टाइड एट द कॉर्नर बाय मीन्स ऑफ 7 meter लॉन्ग रोप, जहां पर 6 लिखा है ना भाई, उसके बदले में 7. पहले 20 meter स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है भाई, 20 meter. अ काउ इज टाइड एट अ कॉर्नर बाय मीन्स ऑफ 7 meter लॉन्ग रोप, बराबर है. फाइंड द एरिया ऑफ द काउ कैन ग्रेस. चलो पहले फिगर बनाओ, ये 6 के बदले में स्क्वायर फील्ड की साइड तो 20 है, वो हमारे कोई काम में आने वाली नहीं है, बराबर है. काउ को कितने लॉन्ग रोप से टाइड किया भाई, 7 meter, यानी कि 6 के बदले में 7 रेडियस करोगे, करो थीटा कितना लोगे 90. तो लिखो पहले R इज इक्वल टू 7, थीटा इज इक्वल टू 90. चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर लो, कभी एरिया ऑफ द काउ कैन ग्रेज,
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जरा देखो तो पाई की वैल्यू में कुछ दिया है भाई, नहीं दिया तो 22 अपॉन 7 लोगे, तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360। 94 जा 360 कट कर दो, 77 कट कर दो, फिर नीचे 4 पड़ा है उसके बटे में लिखो 2 मल्टीप्लाई 2, एक 2 से 22 कट करो 11, तो बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो 11 7 जा 77 अपॉन 2, यानी कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट 38.5 मीटर स्क्वायर। आया आंसर? चलो आगे बढ़ो, अब आगे का वर्ड क्या है वो समझना है। कभी ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन अ ग्रेजिंग एरिया इफ द लेंथ ऑफ रोप इज डबल। समझदार स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, रोप की लेंथ 2 मीटर इंक्रीज की थी, यानी कि 6+2 इज इक्वल टू 8 हुआ था, बट यहां पर रोप की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है भाई डबल। डबल यानी कि पहले कितनी थी 7, 7 का डबल कितना होगा भाई 14 होगा, यानी कि दूसरी बार रेडियस आपको कितनी लेनी है भाई 14। तो लिखो इफ द लेंथ ऑफ रोप इज डबल, इफ द लेंथ ऑफ रोप इज डबल देन आर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14, 1440 हुआ। अब फिर से एरिया ऑफ ग्रेजिंग फाइंड करो, फाइंड करो, चलो जल्दी फटाफट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर रेडियस 14 लेनी है, फटाफट फॉर्मूला रखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360, पहले 90 से 360 को उड़ा 4 जा 7 से 14 को कट करो 2, 2 से नीचे वाला 4 कट करो 2 जा, वो 2 से 14 कट करो 7 जा, आपके पास बचा 22 मल्टीप्लाई 7 154 मीटर स्क्वायर। आया आंसर? चलो अब इंक्रीज इन अ ग्रेजिंग एरिया फाइंड करो, लिखो इंक्रीज इन अ ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 154 माइनस 38.5, दोनों का माइनस करो 154, रफ पेज के अंदर करो 154.0 माइनस 38.5, दोनों का माइनस करो, चलो जल्दी बराबर। कितना है 115.5 आता है, 115.5 मीटर स्क्वायर। बोले ऐसा सम पेपर में आए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये सब आपके कोर्स में नहीं है स्टूडेंट, बट सपोज एग्जामिनर को पूछने हो तो पूछ सकता है, समझ गए, ऐसे पूछेगा नहीं बट आपको आने चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच, चलो एक ट्राइंगल एबीसी बनाओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है बनाओ, चलो फटाफट, चलो एक ट्राइंगल एबीसी बनाओगे इक्विलेटरल है, सेम इसकी जैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, चिंता मत करो। कभी अब फील्ड इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 70 सेंटीमीटर, इसकी हर एक साइड की लेंथ
कितनी है भाई 70 सेंटीमीटर है, बराबर है। फिर आगे बढ़ो, अब काउ इज टेटर एट वन ऑफ इट्स वर्टाइसिस बाय 5 मीटर लॉन्ग रो, यानी कि यहां पर सपोज समझो ए वर्टाइसिस से 5 मीटर लॉन्ग रो पर रख के एक काउ हमने क्या कर दी भाई, बांध दी, टाइड कर दी, बराबर है। तो क्या भाई करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज, यानी कि काउ इतनी एरिया के अंदर क्या कर पाएगी स्टूडेंट, ग्रेजिंग, यानी कि आपको ये जो पोर्शन बना इसका एरिया फाइंड करना है। जरा देखो तो ये तो क्या बना स्टूडेंट, ये जो पोर्शन बना इतने में घास खा पाएगी, आप भी इच्छा रखो तो आप भी घास खा सकते हो, बराबर है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेबल है कि भाई आप घास खाओ, चने खाओ, जो भी खाना है वो खाओ, बट डैश 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 समझने वाले कोई सारा काफी होता है, ऐसा कुछ मत करना, घर वाले घर छोड़ के बाहर जाए। चलो ये माइनर सेक्टर बना, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। चलो रेडियस कितनी लोगे, 5, थीटा कितना लोगे, आइडिया है आपके पास, बुद्धि होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, तो बाजू में लिखो आर इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू 60, कहां से बुद्धि लाए सर। चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओनली फाइंड करना है, कर डालो। चलो जल्दी बराबर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो जल्दी बराबर, 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360, 66 360 कर, 5 से 20 कर, 5 से फिर से 4 कर, 2 जा 4, 2 से 157, तो आंसर आपका है कितना 157 अपॉन 12। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही आंसर है, ऐसे ही रखो, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में कॉलम ने 200 किए थे तो लगभग ऐसे ही आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर प्रेजेंट थे। तो भाई 66 जा 360, 5 20 जा 100, 5 से फिर से 20 को कट करो 4 जा, अब 4 का मतलब होगा 2 जा, 1 2 बचा, 2 से ऊपर 314 को कट कर दो 157 अपॉन में कितना आया भाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका स्टूडेंट क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। चलो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट 12.1 एक्सरसाइज निकालेंगे, 225 पेज के ऊपर 12.1 एक्सरसाइज निकालेंगे। चलो उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ो, मस्त क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, फिगर भी बन जानी चाहिए, बराबर। चलो पहले क्या है भाई, कभी द रेडियो ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, दो सर्कल है, दोनों की रेडियस एक की 19 दूसरे की 9 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, भाई क्या करना है, आगे बढ़ो आपको आइडिया आना चाहिए। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्क्यूमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ दिस टू सर्कल, यानी कि आपको एक तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसका सर्क्यूमफेरेंस ये दोनों सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस के प्लस के बराबर में, बराबर है स्टूडेंट। क्या करना है, दो सर्कल की रेडियस आपके पास है,
तीसरा एक सर्कल है जिसका सर्क्यूमफेरेंस कितना होता है स्टूडेंट, ये दोनों सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस के प्लस के बराबर में होता है, बराबर है। तो आपको वो जो तीसरा सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड करनी है, क्लियर। यहां पर तीसरा सर्कल ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, बट पहले रेडियस लिखेंगे। चलो फर्स्ट रेडियस कितनी है भाई, आर वन इज इक्वल टू कितनी है भाई 19 सेंटीमीटर, आर टू इज इक्वल टू कितना है भाई 9 सेंटीमीटर। तो तीसरे सर्कल की रेडियस, तीसरे सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस ये दोनों के सर्क्यूमफेरेंस के प्लस के बराबर है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, डायरेक्टली बनाएंगे, क्या लिखेंगे तो भाई सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, दो सर्कल है तो क्या लिखेंगे सर्क्यूमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस क्या लिखेंगे सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। चलो तीनों के फॉर्मूला रखे स्टूडेंट, चलो इसका फॉर्मूला क्या रखेंगे 2πr। चलो सामने इसकी रेडियस r1 है तो क्या लिखेंगे 2πr1। चलो इसकी रेडियस कितनी है भाई 2πr2 लिख सकते हैं ऐसे कि भाई तीसरा जो सर्कल है उसका सर्क्यूमफेरेंस ये दोनों के सर्क्यूमफेरेंस के प्लस के बराबर होता है। चलो अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, देखो दोनों में से क्या निकलता है भाई 2πr, सामने 2π कॉमन निकलता है भाई, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई आर वन प्लस आर टू। चलो अब एक काम होगा, इंडिया और पाकिस्तान में सेम डिजिट हो तो आपको क्या कर देना है भाई कट कर देना, क्योंकि ये 2π इसके अपर में आने वाला है, यानी कि दोनों 2π 2π क्या हो गए कट। आपके पास क्या बचा भाई आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। चलो तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 19 प्लस 9, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा भाई 28 सेंटीमीटर। तीसरे सर्कल की रेडियस मिल गई नहीं मिली पक्का, यार किसका मतलब क्या हुआ, सपोज यही वाला सम पेपर के, देखो कभी कभी क्या है कुछ अट्टे मारने के होते, कभी पेपर के अंदर एक मार्क के एमसीक्यू में आ गया, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि भाई दो सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस के बराबर तीसरे सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस होता है तो तीसरे सर्कल की रेडियस कितनी होगी ये दोनों के प्लस के बराबर, समझ गए 19 प्लस 9 आंसर तो कितना है 28, एक मार्क में आए, ये कोई मजबूरी नहीं करनी है, दोनों का प्लस करके ब्लैंक में आंसर भर देना। और स्टूडेंट बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो स्कूल वाले आपके ऊपर दाग जमाने के लिए बोलते हैं कि भाई यहां पर आप लोग क्या करो भाई कैलकुलेशन करो, बाकी बोर्ड में सीधा आंसर लिखने का होता है, समझ गए सीधा आंसर, नो क्वेश्चन, पूरी ब्लैंक भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिख लो तब याद रहेगा कि भाई दो सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस तीसरे सर्कल के बराबर हो तो तीसरे सर्कल की रेडियस किसके बराबर होगी, ये दोनों रेडियस के प्लस के बराबर 19 प्लस 9 कितना आंसर आ गया 28, क्लियर। चलो उसके जैसा नीचे क्वेश्चन है सेकंड नंबर पढ़ो, The radius of two circles are 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. लिखो चलो पहले R1 is equal to 8 सेंटीमीटर, R2 is equal to 6 सेंटीमीटर. Find, अब समझना, find
द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, ये वाले क्वेश्चन में क्या था, सर्क्यूमफेरेंस के बराबर। ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है स्टूडेंट, एरिया इक्वल, क्या इक्वल है, तो यहां पर फॉर्मूला आप क्या बनाओगे बोलो तो, अब आप खुद सम करोगे, यहां पर क्या लिखोगे तो भाई थर्ड सर्कल का एरिया ये दोनों की एरिया के प्लस के बराबर है, तो लिखो फॉर्मूला बनाओ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल, इधर क्या लिखेंगे सर्क्यूमफेरेंस के बदले में एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। चलो दोनों साइड के फॉर्मूला लगाओ भाई, यहां पर फॉर्मूला क्या लगाओगे पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, सामने क्या लगाओगे पाई आर वन स्क्वेयर प्लस पाई आर टू स्क्वेयर, टेन आंसर आने वाला है बराबर है। चलो सामने से कुछ कॉमन निकलता है, निकलता है क्या निकालोगे पाई कॉमन निकलेगा, मन कुछ लोगों को टप्पे नहीं पड़ रहे हैं भाई, पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वेयर प्लस पाई आर टू स्क्वेयर, इन दोनों में पाई कॉमन है, गगे की तरह बैठे रहते हैं, मुझे वीडियो में भी दिख जाता है आप लोगों में से 60% लोग गगे की तरह बैठ रहे हैं, समझे मुझे इधर से दिखता है, भगवान ने मुझे तीसरी आंख दी। चलो पाई कॉमन निकल तो ब्रैकेट में क्या रहेगा आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर, पाई पाई कर, वैसे भी आप पाई पाई उड़ा देने वाले हो, जब इंडिया पाकिस्तान में पाई आए तो उड़ा देनी है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा बुद्धि नहीं है, पप्पा कितनी भी मिलकर देकर जाएंगे पाई पाई आप उड़ा देने वाले, समझ गए। तो चलो क्या बचा भाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एट स्क्वेयर प्लस सिक्स स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 और 100 का स्क्वेयर रूट आर इज इक्वल टू, आंसर आपका कितना आएगा भाई 10 सेंटीमीटर आ गया, मैंने बोला था पहले से 10 आने वाला है। तो दोनों क्वेश्चन में कुछ समझे आप लोग, सपोज फर्स्ट वाला सर्क्यूमफेरेंस वाला एमसीक्यू में आए, थोड़ी बुद्धि दौड़ा, तो मैंने क्या बोला दोनों रेडियस का प्लस कर लिया, और सपोज ये एरिया वाला एमसीक्यू में आए, समझ लो पहले शॉर्टकट मेथड, एरिया वाला एमसीक्यू में आया तो क्या करोगे दोनों रेडियस के स्क्वायर का एडिशन और फिर उसका स्क्वायर, 6 तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का प्लस 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10, आगे आंसर शॉर्टकट मेथड बन गए, ये याद रखनी है। अब एक सर्क्यूमफेरेंस इक्वल हो तो डायरेक्ट दोनों रेडियस का प्लस करो, बट सपोज क्या इक्वल हो भाई एरिया इक्वल हो, क्या इक्वल हो एरिया, और रेडियस फाइंड करनी है तो क्या करोगे दोनों रेडियस के स्क्वायर का एडिशन करोगे भाई, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना होगा 100, पाइथागोरस की ट्रिपलेट आपको आती होगी 8 और 6 होगा, आंसर कितना आने वाला है 10, आगे आंसर बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्लियर, ऐसे एमसीक्यू पेपर में आए तो आपको आने चाहिए। चलो अब जरा आप लोग फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं, थर्ड कल की वीडियो में करेंगे, फोर्थ नंबर में जाते हैं, द व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर एच, मैंने बहुत सारे सम कराए ऐसे आप लोग करा दिया है, बाकी है वाला सम बाकी है बराबर, आईएमपी करके रखना, ये एक्सरसाइज में से ये वाला सम आईएमपी है करके रखो, डायमीटर 80 है तो लिखो डी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, उसके ऊपर से रेडियस फाइंड करो आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू इज इक्वल टू 80 अपॉन टू इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन अ 10 मिनट
when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, तो पहले उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको सिखाया था सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो लिखो चलो उसको बाद में कर दे, तो पहले सर्क्यूम्फेरेंस फाइंड कर लेते, फाइंड करो सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2πr, या तो पाई डी फॉर्मूला भी लिख सकते हो 2πr, तो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 40, 7 को कट मत करो, मल्टीप्लाई कर लो से 22 2 44 44 मल्टीप्लाई 40 करो 1760 अपॉन 7 सेंटीमीटर। चलो आया, अब 10 मिनट, ये तो कितने में आया भाई, सॉरी स्टूडेंट एक मिस्टेक हो गई, ये 4 नंबर का सम जो है आपके कोर्स में से निकल गया है, इसलिए जो भी थोड़ा ज्यादा काम किया डिलीट कर दो, नहीं करना है, क्यों करे भाई मजूरी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, उसके अंदर क्या है कभी, फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट, कभी अंदर गोल्ड, उसके बाद में रेड, उसके बाद में ब्लू, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, गोल्ड का डायमीटर कितना है भाई 21 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द अदर पेन इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, यानी उसके बाद वाले जो रीजन है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड होते जाते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, ये पांचों रीजन के आपको एरिया फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट गोल्ड का डायमीटर कितना है भाई 21, 5 बार एरिया के फॉर्मूला रख के फाइंड करने पड़ेंगे, हर बार रेडियस भी फाइंड करनी पड़ेगी, क्लियर। तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे गोल्ड रीजन, हेडिंग डालो गोल्ड रीजन, डायमीटर डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, चलो उसकी रेडियस फाइंड कर लो स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू, रेडियस का फॉर्मूला रखो आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू इज इक्वल टू 21 अपॉन टू इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। कभी सोनी ने एक ये डिजाइन बनाई है अलग अलग कलर करके, बराबर है। चलो गोल्ड रीजन की रेडियस मिल गई, उसका एरिया फाइंड करो, लिखो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 105/10 मल्टीप्लाई 105/10, एक काम करो 7 से 105 को कट करो, डिवाइड करो 59, चलो 15 के बदले में लिखो 5/3, वो 5 से नीचे वाला 10 कट करो 2 जा, ये 2 से 22 कट करो 11 जा, अब कुछ कट नहीं करो, नहीं करो, बराबर है। चलो 11 3 33, 105/33 करो, 105/33,
चलो कितना आया 3, 4, 6, 5, एक डेसिमल कट करो तो 3, 4, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। चले गोल्ड रीजन के एरिया, इसके बाद में कौन सा है रेड रीजन, बट उसकी रेडियस फाइंड करोगे कि भाई ये जो रेडियस आई तो भाई गोल्ड की रेडियस कितनी थी 10.5। इसके बाद में ये जितने भी सर्कल बनते हैं स्टूडेंट इनकी ये जो विड्थ है वो 10.5 है बराबर है, यानी कि रेडियस में 10.5 प्लस करोगे गोल्ड की रेडियस में 10.5 प्लस करोगे तो रेड की आपको रेडियस मिलेगी। दूसरा एडिट डालो रेड रीजन, रेड रीजन उसमें लिखो R इज इक्वल टू, शॉर्टकट लिखेंगे रेडियस R इज इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5 कहां से आया गोल्ड की रेडियस कितनी थी 10.5 उसमें ये 10.5 वेट प्लस करेंगे इज इक्वल टू कितना आया भाई 21 आया, यानी कि आपके ये रेड रीजन की रेडियस कितनी हुई 21। चलो इसका एरिया फाइंड करो, देखो एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 21 7 3 21 कर इसका मल्टीप्लाई करो देखो तो कितना आंसर आता है। चलो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई कितना आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट आपको क्या करना पड़ेगा हर एक रीजन का एरिया फाइंड करना है। समझो जरा क्वेश्चन को, कभी ये रेड रीजन का एरिया क्या आ गया, अब आपको क्या करना है ये जो पोर्शन है वो पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट ये पूरे एरिया में से ये अंदर वाला एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, समझ गए। तो लिखो एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग, एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग इज इक्वल टू 1386 यानी कि देखो ये पूरे रीजन का एरिया माइनस ये अंदर वाला एरिया, आपको क्या ध्यान रखना सम और टिपिकल सम है, क्लियर। कभी ये बार वाले एरिया में से ये गोल्ड रीजन का अभी तो ठीक है, अभी थोड़े आगे बढ़ो नेक्स्ट स्टेप में दिमाग के दजे उड़ जाएंगे। चलो माइनस किया तो भाई 1386 - 346.5 कभी एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग इज इक्वल टू 1386 - 346.5 माइनस करो सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलो ये किसका एरिया आया, ये जो मैंने सेंडेड किया वो पोर्शन का एरिया है। चलो अब थर्ड राउंड के अंदर जाए, चलो हेडिंग डालो कौन सा है भाई ब्लू रीजन, ब्लू रीजन आर इज इक्वल टू रेडियस कितनी होगी, देखो यहां से समझ लो पहले, यहां से ये रेड रीजन तक की रेडियस कितनी आई 21 और उसके अंदर ये 10.5 को आपको क्या करना पड़ेगा फिर से प्लस करना पड़ेगा। तो देखो 21 + 10.5 = 31.5 चलो अब इसका एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ
ब्लू रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, रेडियस 31.5 लोगे तो लिखो 22/7 22/7 × 3/5/10 × 3/5/10 ये 7 से कट होता होगा, डिवाइड करो, चलो इसको 45 आएगा है। चलो 45 के बदले में लिखो 5 × 9, वो 5 से 10 को कट करो 2 जा, 2 से 22 कट करो 11 जा। चलो 11 × 9 = 99, 3 × 5 = 99 करो, 3 × 5 = 99, 3118.5 cm². अब क्या करोगे स्टूडेंट, समझोगे, आपको ये ब्लू रीजन का एरिया फाइंड करना है। कब ये जो ब्लू स्क्रीन है उसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करोगे समझो, ते पूरे एरिया में से किसका एरिया माइनस करोगे, ये पूरे रेड रीजन है, माइनस क्या करोगे आप लोग गलती से भी, ये 346.0 जो आया था 1039.5 उसको माइनस नहीं करोगे, माइनस किसको करना है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन मीन्स किसको माइनस करोगे आप लोग 1386 को माइनस करना पड़ेगा। आपको ये वाले रीजन का एरिया फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो भाई आपने अंदर से लेके बाहर तक का एरिया फाइंड कर लिया, उसमें से माइनस क्या करोगे ये पूरा पोर्शन, पूरा पोर्शन मीन्स वो एरिया कितना है आपका 1386। तो लिखो यहां पर एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग, एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन इज इक्वल टू 3118.5 − 1386। माइनस करने में खास ध्यान रखना, कौन से वाले क्वेश्चन में किसको माइनस करना है, बराबर है, ये वाला माइनस करोगे ये पूरे का एरिया 1386 है उसको माइनस करोगे तो ब्लू रीजन का एरिया मिलेगा। क्लियर आता है इतना आंसर, चेक कर सकते हो आप लोग 1732.5 cm². अच्छे अच्छे गोथे खा जाते हैं इस समय, सिर्फ डायरेक्टली ओरली समझा देते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, कौन सा रीजन है हमारा ब्लैक रीजन, तो उसकी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, हेडिंग डालो ब्लैक रीजन आर इज इक्वल टू 31.5 + 10.5 इज इक्वल टू 42 cm। चलो फटाफट इसका एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, तो 22/7 × 42 × 42 7 6 42 22 6 132 × 42 करो, करो 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 जल्दी, बराबर
जेड का एरिया फाइंड करना है। मैंने तो लिख के रखा है, देखो अब लिखो एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग। चलो आप मुझे ये बताओगे किसको माइनस करोगे। आपके पास दो चॉइस है, एक ये वाली चॉइस है, एक आपके पास ये वाली चॉइस। चलो दोनों चॉइस में से किसको माइनस करोगे। अभी मैंने ऊपर सिखाया इसको माइनस करोगे कि ये ऊपर वाले को माइनस करोगे। ये वाले सब मैंने सिखाया किसको माइनस किया 1386। अब ये वाले सब के अंदर ये तो किसका एरिया है, जो ब्लैक पोर्शन था उसका था, अरे सॉरी ब्लू पोर्शन का। हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया माइनस करना पड़ेगा, बड़े वाला आंसर। तो करो भाई एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग इज इक्वल टू 5544 माइनस 3118.5। दोनों का माइनस करो। ये सम की चार बार प्रैक्टिस करना, समझ गए तो समझ में आएगा कहां पर किसको माइनस करना है। टू फोर टू फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर। चलो मुझे ये बताओ अभी नेक्स्ट सम के लिए किसको माइनस करोगे, ये वाला माइनस करोगे कि ये वाला माइनस करोगे। अब आइडिया आ गया होगा आपको किसको माइनस करना है 5544 को, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट लिखो रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन, बहुत खतरनाक सम है। रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन इज इक्वल टू 42 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। चलो इसका एरिया फाइंड करो। फटाफट फॉर्मूला रखो, टका वैल्यू रखो भाई 22/7 मल्टीप्लाई 525/10 मल्टीप्लाई 525/10। 7 से कट होगा, 7 7 जा और 5 जा 75 आता है। चलो नीचे 10 के बटे में लिखो 5 मल्टीप्लाई 2, 2 से 22 कट करो 11 जा, 5 से 75 कट करो 15 जा, 11 मल्टीप्लाई 15 165, यानी कि 525 मल्टीप्लाई 165 करो। सेंटीमीटर स्क्वेयर आया आंसर। चलो ये पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ व्हाइट स्कोरिंग रीजन इज इक्वल टू किसका माइनस लोगे 8662.5 माइनस 5544 आएगा ना, 5544 दोनों का माइनस करो। इसमें से 5544 माइनस करो, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी टेक्स्ट बुक में सबसे लेंथीएस्ट सम ये एक ही है, पर ये सम मिनिमम 4 टाइम आपको होमवर्क में करना है। तो सपोज पेपर में आए तो कर पाओगे, ध्यान रखना है कौन से रीजन के अंदर क्या माइनस करना है, समझ गए। गलती से सपोज
यहाँ पर 1386 माइनस करना अगर आप गलती से कि भाई 1039.5 माइनस कर दोगे आंसर कभी भी नहीं आएगा। क्लियर? यानी पूरे सब को शांति से बैठकर 4 टाइम होमवर्क के अंदर कर लेना। स्टूडेंट आज बहुत सारा टाइम चला गया है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं, कल की वीडियो के अंदर आगे लगभग हमारे सारे सब खत्म हो चुके हैं। कल की वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यू का सॉल्यूशन कैसे होता है वो सीखेंगे, दिल लगाकर एमसीक्यू सीखोगे। समझ गए? आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।